दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा और एक रानी थी। उस राजा के दो लड़कियां थीं और दो लड़के थे। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा घर का सारा कामकाज करती थी और भगवान की पूजा पाठ भी किया करती थी और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या न तो घर का काम करती थी और न ही भगवान का पूजा पाठ करती थी और न ही गौ माता की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर के रिश्ता तय करके विवाह करवा देना चाहिए। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में ब्याह करना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना और गाय की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गाँव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय करते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनका घर के काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर अपना रौब जमाया करती थी। राजा इसके कुछ दिनों के बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और दोनों बहनों का विवाह हो जाता है। और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई करते हैं, तो अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारा धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनों ने अपने अपने ससुराल चली गई। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर भगवान शिव की चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गाँव वालों को अपने घर पर बुलवाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलवाया। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थीं, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी, तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा, तुम्हारी बहन के घर में शिव भगवान की कथा चल रही है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं गया, मैं कैसे जा सकती हूँ। औरतों ने कहा कि बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान शिव की चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मान करके उनके साथ चली गई। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ी, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तू यहाँ कैसे चली आई, तुम्हें तो मैंने बुलाया भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ माता की सेवा करना गलत है, अपराध है? आखिर मेरा क्या कसूर है? आप कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बारंबार भगवान से यही कहती रही। जितने में शिव चर्चा पूरी हो गई, अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर को लौटने लगी, तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊंगी और वहां से बच्चों के लिए कुछ ले करके आऊंगी। ऐसा सोचकर वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया, तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और उसके पैर दबाने लगी और कहा कि क्या काम है माँ जी? उसने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल करके जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी और वह वहां से रवाना हो गई। चलते चलते आगे एक शिव का मंदिर पड़ा।
वहां पर एक बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहां जा रही हो। पूर्णिमा ने बताया, अपना सारा परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और उस मंदिर की साफ सफाई कर दो बेटी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया और उस बूढ़े बाबा को भी नहला धुला दिया और कहा कि और क्या काम है बाबा। उस बूढ़े बाबा ने कहा कि और कोई काम नहीं है बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल करके ही जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और वह वहां से रवाना हो गई और आगे चलते चलते काली माता का एक मंदिर पड़ा। वहां भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहां जा रही हो। पूर्णिमा ने कहा कि मैं पूर्णिमा हूं। उसने अपना सारा परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, यहां सब पूजा पाठ करने तो आते हैं लेकिन मंदिर की कोई साफ सफाई नहीं करता, इसलिए इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई तुम कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। जब पूर्णिमा ने मंदिर के चबूतरे की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार कर दिया, उस बूढ़ी औरत को नहला दिया और बूढ़ी औरत के पैर दबाने लगी और पूर्णिमा ने कहा कि और क्या काम है माँ जी, कोई और काम हो तो बताइए। माँ जी, तब उस औरत ने कहा कि कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल करके ही जाना। तब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। इसके बाद वह वहां से चल पड़ी और थोड़ा आगे जब वह बढ़ी तो चलते चलते एक नदी मिली। उस नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह तो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहां जा रही हो। पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा कि इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहां पर साफ सफाई कर दी और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाने लगी और कहा कि हे माता जी, और यदि कोई काम हो तो वह बताइए, मैं उस काम को भी कर देती हूँ। माँ जी, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और जब भी तुम वापस आना तो वापस आते समय मुझसे मिल करके ही जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भौजाई ने जब उसे देखा तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और खूब सारी बातें करते हैं और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती, इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। और सुबह जब पूर्णिमा अपने ससुराल जाने के लिए कहती है तो भाभियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के लिए कुछ सामान रख दिया और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभियों ने पूर्णिमा को हाथ में एक थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी से आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पर वह पहुंच गई। नाव में बैठ करके नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ मैं आ गई। तो उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर लेकर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास दो थैले हो गए थे, उन्हें लेकर के वह वहां से रवाना हो गई। पूर्णिमा अब आगे बढ़ी तो वही काली माँ का मंदिर आया। वहां भी काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। उसने कहा कि आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने भी एक थैला दिया और कहा कि बेटी इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और अब पूर्णिमा के पास तीन थैले हो गए थे। पूर्णिमा ने एक थैला सर पर रख लिया और एक हाथ में ले लिया और वहां से रवाना हो गई। और वहां से रवाना हुई और आगे चली तो वही भगवान शिव का मंदिर आया। वहां पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटी आ गई हो। तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं आ गई। तो उस बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास चार थैले हो गए। अब भला वो अकेली चार थैलों को कैसे ले जा सकती थी, इसलिए उसने अपनी पुरानी साड़ी निकाली और उन चारों थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध लिया
और अब पूर्णिमा वहां से रवाना हो गई और थोड़ा आगे चली तो वही तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई मिली। उसने पूर्णिमा से कहा कि आ गई हो बेटी? तो पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। तो तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटी इसे घर जाकर के ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की चीजें और कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें दी तो बच्चे बहुत खुश हो गए। अब पूर्णिमा ने जब दूसरा थैला खोला तो उसे गंगा माँ ने जो दिया था उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया था उसमें धन संपत्ति और सारी खुशियां भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने जब 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माता ने दिया था उसमें चावल दाल और 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान से परिपूर्ण हो गया था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा था। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर पर भगवान शिव की चर्चा कराऊं और शिव चर्चा का कार्यक्रम उसने रखा और पूर्णिमा ने गांव के सभी व्यक्तियों को बुलाया और अपने बहन के घर भी गई और अपनी बहन को बुलाने के लिए कहा। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देख करके अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई? पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने भगवान शिव की चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया तो मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर पर आ गई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद जब मैं अपने घर जा रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके चली जाऊं और मैं अपने मायके चली गई और वहां जो कुछ भी घटना हुई वह सब अमावस्या को उसने बता दिया। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद भी नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर कि वह अपने मायके जाने के लिए वहां से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माता मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा कि आए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, या गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली तो भगवान शिव मिले। उनको भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो काली माता का मंदिर मिला। काली माँ को भी उसने ऐसे ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने जब तट की सफाई करने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए और वह दूसरे किनारे पर उतर कर वह अपने मायके चली गई। जब वहां उसकी भौजाइयों ने देखा तो वे आपस में धीरे से बोली, काम की न काज की, ढाई सेर अनाज की, ये बला कहां से आ गई? अब आ ही गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, या कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा करके सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भौजाइयों से कहा कि मैं ससुराल जा रही हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को जो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ भी नहीं दोगी क्या? भौजाइयों ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वह वहां से रवाना हो गई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर पहुंच गई। वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई हो बेटी? तो उसने कहा हाँ आ गई। अमावस्या ने कहा कि तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या बूढ़ी माँ? बूढ़ी माँ ने कहा तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद भगवान शिव ने भी उससे ऐसे ही कहा। इसके बाद तुलसी माता ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे।
अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैलों को खोला तो उसमें किसी में मिट्टी, तो किसी में पत्थर, तो किसी में कंकड़, तो किसी में कोयला, तो किसी में सांप और बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देख करके उसने अपना सर पकड़कर वह कहने लगी कि हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है कि तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा कि मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भौजाइयों के काम में हाथ बटाती हूँ और उनके साथ मिलकर के घर का सारा काम करवाती हूँ, और तुमने कभी भी उनकी इज्जत नहीं की, इसीलिए तुम्हें वो भला क्या देती। और इसके बाद तुमने गंगा माँ को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया और तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया है। मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम तीन सूत्र को ज्ञान आज ले लो, पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो तीन सूत्र दिए हैं इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की और दूसरों की मैंने सेवा की, जो भी मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया और दूसरों का मैंने सम्मान किया। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगने लगी और गौ सेवा करने लगी और दूसरों की मदद करने लगी। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, किसी दूसरे के काम आता है और बिना स्वार्थ के जब वह व्यक्ति मदद करता है तो ईश्वर उस पर मेहरबानी करता है, क्योंकि उसके मन में दया होती है और उसकी यह भावना होती है कि दूसरे का जो भी कष्ट है वह दूर हो जाए। सेवा करने का जो भाव व्यक्ति के अंदर होता है वही व्यक्ति को ऊंचा बनाता है और वही भगवान को भी पसंद है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, दूसरों की सेवा करता है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं और भगवान सब तरह के सुख धन धान्य से भरपूर उसको कर देते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।